is me, Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Rostow's theory of economic growth. So let's start. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रोस्टो की थ्योरी का. रोस्टो जो थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने 1960 में जो है ये थ्योरी पेश की थी इकोनॉमिक ग्रोथ की. ये जो है ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की ही एक्सटेंशन है, लेकिन बेसिकली इसमें फोकस किया गया है इकोनॉमी को. रोस्टो ने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है सोसाइटीज़ इकोनॉमिकली टाइम टू टाइम डेवलप्ड होती हैं, कौन से स्टेजेस हैं जिनसे गुजरकर कोई भी जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को अचीव करती है. इसको हम लीनियर स्टेज मॉडल भी कहते हैं और इसको उन्होंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिनमें फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, थर्ड है टेक ऑफ, फोर्थ है ड्राइव टू मेच्योरिटी और फिफ्थ है एज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन. रोस्टो के मुताबिक इन 5 स्टेजेस से गुजरकर कोई भी सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है. बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेके एज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन के दरमियान जितने भी स्टेजेस हैं या जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इनके एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे इनमें चेंजिंग आई, इस चीज़ को जो है रोस्टो की थ्योरी एक्सप्लेन करती है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. रोस्टो की थ्योरी की जो फर्स्ट स्टेज है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ बिल्कुल सिंपल और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही होती है. 75 से 80% लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होते हैं और उनका रोज़गार भी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा होता है. और यहाँ पे न्यूटन से पहले के दौर की साइंस यूज़ होती है, 15th century से पहले की. ट्राइबल सिस्टम होता है, कोई एडवांस यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती. जो एग्रीकल्चर होता है वो भी सिंपल ये जो हल वगैरह के थ्रू किया जाता है. क्लास और कास्ट सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता है, ऐसे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो पावर है वो लैंडलॉर्ड्स के हाथ में होती है. इसके अलावा रिलीजियस बिलीव्स यानी लोग अपने अकायद के बहुत पक्के होते हैं. हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ होती हैं. बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एज अ लेबर यूज़ किए जाते हैं, तो जितने बच्चे होंगे वो उतने इनकम का सोर्स उनका बढ़ता है. तो यहाँ पे जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 5% से कम होती है. यहाँ पे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक. तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है या क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होती है. तो ये है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़. देन नेक्स्ट स्टेज है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ. इसमें जो है एग्रीकल्चर शिफ्ट करता है इंडस्ट्रियल सिस्टम में, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो जाती हैं. और दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. इसके अलावा यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. बर्थ रेट डिक्लाइंड हो जाता है, सरप्लस होता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है. इलीट क्लास या हाई क्लास जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाती है. और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ये अबव 5% है. वहाँ पे लेस देन 5% था, यहाँ पे 5% से अबव होता है. और यहाँ पे जो है पर्सनल स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है. यहाँ पे इस जो है स्टेज में बेसिकली डेवलपमेंट होना शुरू होती है. वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे बिल्कुल सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेज है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है. देन नेक्स्ट स्टेज है टेक ऑफ. टेक ऑफ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ में. और रोस्टो के मुताबिक इस स्टेज में इंटेंसिव ग्रोथ होती है इकोनॉमी में. इस स्टेज को हम इकोनॉमिक डायनेमिक ग्रोथ भी कहते हैं. यहाँ पे टेक्निकल इनोवेशन होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. उसके अलावा नेशनल इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, बैंकिंग सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हो जाती है. और यहाँ पे जो कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं लोग उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है. और जो प्रॉफिट होता है उसको एंटरप्रेन्योर्स या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं. अर्बनाइजेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आता है. पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मतलब सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि कंड्यूसिव होता है इकोनॉमी के लिए. देन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% से अबव होती है. देन फोर्थ स्टेज है ड्राइव टू मेच्योरिटी. इस स्टेज पे आके जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, सोसाइटी की, वो आके स्टेबल होना शुरू हो जाती है, मेच्योर होना शुरू हो जाती है. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, जो कि टेक ऑफ की स्टेज में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. इस स्टेज में जो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो.
उसके अलावा बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आती है उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होता है। सेविंग रेट जो है वो 10-20% होता है। लोगों का मयार ज़िंदगी जो है उसे बेहतर बनाया जाता है स्टेज में। बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और टेक ऑफ से लेके इस स्टेज तक आने में किसी भी सोसाइटी या कंट्री को 40-60 साल का अरसा दरकार होता है। फर्स्ट स्टेज बिल्कुल सिंपल थी, सेकेंड स्टेज में जो मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, थर्ड स्टेज में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई, इसके अलावा उस स्टेज में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन वगैरह भी आया, और जो फोर्थ स्टेज है इसमें आके इकोनॉमी स्टेबल हो गई और यहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट आई चीज़ों में। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है एज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन। इस स्टेज में आके लोग जो है वो बिल्कुल एक लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के साथ साथ उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। जैसे लग्जूरियस लाइफ में टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर यानी कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है जो कि लोगों को आराम और सुकून प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाती है, पर कैपिटल इनकम में इजाफा होता है और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो 20% से अबव हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि ये जो लास्ट स्टेज है यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी होती है इतनी कि लोग अपनी ज़रूरियातें ज़िंदगी को पूरा करने के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं। इवन के जो लेबर क्लास होती है वो भी खुशहाल होती है। इसके अलावा रोस्टो की थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। एक पॉइंट तो इसमें यह है कि यह हर कंट्री के लिए या हर सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जापान की बात करें हम या फिर यूएसए की, तो यहाँ पे जो उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की है वो स्टेज जो है वो जापान या यूएसए में नहीं पाई जाती। इसके अलावा इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ या जो अमेरिका है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये थ्योरी पेश की थी, तो ये जो है ये एशियन कंट्रीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है। और एक और पॉइंट इसमें ये था कि ये जो सेकंड और थर्ड स्टेज है प्रीकंडीशंस फॉर टेक ऑफ और टेक ऑफ की, इसमें यह कहा गया था कि इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ओवरलैप हुई हुई है, इनमें जो वाज़े फ़र्क है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स और इनइक्वालिटी और उन्होंने कुछ फैक्टर्स को निगलेक्ट किया था। तो ये जो था कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था उनकी इस थ्योरी पे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।